नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 29 दिसंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के पहले इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू छावनी में देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। संग्रहालय 1747 से 2020 तक के इन्फेंट्री कोर के इतिहास को प्रदर्शित करेगा, जिसमें मूर्तियों, भित्ति चित्रों और फोटो गैलरी में वीरता और वीर सैनिकों के बलिदान को संरक्षित किया गया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न दो की तरफ। पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट बीमा योजना शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड OCL के साथ भागीदारी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, पेटीएम ब्रांड के मालिक 197 कम्युनिकेशंस OCL ने HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर एक समूह बीमा योजना पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट लॉन्च की है, जो सभी ऐप और वॉलेट में UPI के माध्यम से किए गए लेन देन का बीमा करती है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न तीन की तरफ। रक्षा पेंशनरों को सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने रक्षा लेखा महानियंत्रक रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है, बंधन बैंक ने 557 शाखाओं के माध्यम से रक्षा पेंशनरों और उनके परिवारों को बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न चार की तरफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते PPA पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है, PTC इंडिया लिमिटेड ने शुष्क सर्दियों के मौसम के दौरान अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हिमालयी राष्ट्र को भारतीय बिजली बाजार से 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से भूटान के साथ एक समझौता किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न पाँच की तरफ। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, एक सरकारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AERB के कार्यकारी निदेशक रह चुके शुक्ला शीर्ष पद पर जी नागेश्वर राव की जगह लेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए एक परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, उत्तर कोरिया ने 19 दिसंबर को कहा कि उसने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अंतिम चरण के परीक्षण में एक परीक्षण उपग्रह को लॉन्च किया है, जो उसके नेता किम जोंग उंग द्वारा अन्य उच्च तकनीक हथियार प्रणालियों के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य क्षमता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारत ने बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हरा दिया। इस टूर्नामेंट के अब तक 3 संस्करण हो चुके हैं। भारत ने तीनों बार 2012, 2017 और 2022 में जीत हासिल की है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र का पालन दिवस है। यह दिन विविधता में एकता का जश्न मनाता है और हमें गरीबी उन्मूलन के लिए नई पहल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया। अपनी तरह के इस पहले स्टील का निर्माण पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके किया गया है, जिससे पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिन्ह छोड़े गए हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद NAAC NAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद NAAC ग्रेडिंग में 3.85 अंक प्राप्त करके ए ग्रेड प्राप्त किया है, जिससे यह स्कोर प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह डेली करंट अफेयर्स क्विज 29 दिसंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।